समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है और ये दुनिया अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। धरती का 95% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और समुद्र तल में टाइटेनिक से लेकर कई समुद्री जहाज तक बहुत कुछ मिल जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे ऐसी चीजें खोजी गई है कि इन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। पानी के अंदर सिर्फ मछलियां और समुद्री शैवाल ही नहीं होते बल्कि कई ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें देखकर किसी का डरना स्वाभाविक है। ऐसे में क्यों न हम आज उन चीजों के बारे में बात करें जिन्हें समुद्री तलों में खोजा गया है और दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। फर्स्ट, सैन होसे गैलियन। दोस्तों, ये एक डूबे हुए जहाज का मलबा है जो 300 सालों से भी ज्यादा से कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। अन्य कई डूबे हुए जहाजों में से इसमें लोगों की इतनी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इस जहाज के साथ लगभग 17 से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग का स्पेनिश खजाना भी डूबा हुआ है। दोस्तों, 1708 में इस जहाज को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था और ये डूब गया था। 2015 में इसे एक अमेरिकी कंपनी ने ढूंढा था, चीनी सी चेंग। समुद्र के नीचे की गई कई खोजों में से एक सी चेंग सबसे अनोखी कही जा सकती है, जहां द्वारिका नगरी और अटलांटिक जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है। वहीं ये वाकई एक ऐसा शहर है जो 1300 सालों से पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। जापानी शहर। जिस तरह चीन में पानी के नीचे एक पूरा शहर है, उसी तरह जापान के समुद्र के नीचे भी एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे 10,000 साल से भी पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये जोमोन लोगों द्वारा बनाया गया था जो 12,000 BC से भी पहले जापान के आइलैंड्स पर रहा करते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने इस समुद्री तल पर बहुत सारी खोज की है लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये डूबा कैसे और इस पौराणिक कलाकृति को किस काम में लिया जाता था। नंबर 4, सिल्फ्रा फिशर। देखने में ये किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा पर असल में ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप दो महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हाँ, ये दो कंटिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड के बीच में खोजा गया था। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। 5 नंबर पे आता है मैक्सिको के सिनोट्स। समुद्र के अंदर गुफाएं होती है ये तो आपने सुना होगा लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद आपने पहले नहीं देखी हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मल इंसानी कंकाल से अलग है और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन सिनोट्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। अतलिम याम। अतलिम याम इजराइल का एक अंडर वाटर गाँव है जिसे 89,000 से 83,000 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का लेवल बढ़ा और ये गांव डूब गया। पर एक इटालियन स्टडी जिसे मारिया परिसेची ने करवाया था उसके अनुसार एक ज्वालामुखी के फटने का नतीजा था कि ये अतलिम याम डूब गया। हालांकि इस जगह पर कई रहस्यमय चीजें भी मिली है जो वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय है। 7 नंबर पे आता है दोस्तों आइस फिंगर ऑफ डेथ, जिसे ब्रिंसिकल आइस फिंगर डेथ भी कहा जाता है। आमतौर पर दोस्तों यह एक प्राकृतिक घटना है जो समुद्र तल में देखी जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तल में ठंडे पानी के प्रेशर और नमक की वजह से एक भवंडर जैसी आकृति बनती है। ये समुद्र के अंदर तेज गति से घूमती हुई बर्फ होती है और इसे कैमरे में कैद कर पाना या देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके आसपास के जीवों को पानी का प्रेशर अपने अंदर खींच लेता है और ये असल भवंडर जैसा काम करता है। अब फ्रेंड्स, जब मैं आपको इन समुद्री खोजों के बारे में बता दिया है तो मैं आपको बता दूं इन 7 के अलावा भी समुद्र के नीचे से बहुत कुछ निकाला गया है। यही नहीं, बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो अभी भी एक पहेली की तरह है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के विषय में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।